हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाय, आई एम रंजीत सर। हाउ आर यू ऑल? आई होप गुड। ओके, तो ऑनलाइन गुरु यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से, जैसा कि आप लोगों को पता है, साइंस और मैथ्स के लेक्चर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। और आई होप कि अब तक जो भी आपने लेक्चर देखा है वो आपके लिए कहीं ना कहीं से यूजफुल है। अगर हमारा चैनल अगर आपकी मदद कर पा रहा है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशंस को जरूर क्लिक करें, ताकि जो अगला जो वीडियो हम अपलोड करते हैं उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिले। अगर आप उस नोटिफिकेशंस बेल को क्लिक नहीं करेंगे तो फिर आपको कोई भी जो वीडियो अपलोड होगा उसका इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ओके, तो आज की क्लास में हम यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का दिस वन इज द पार्ट नंबर 4, लेक्चर नंबर 4। और जो लोग भी ये लेक्चर डायरेक्ट देख रहे हैं, इससे पहले आप लेक्चर नंबर 1, 2, 3 जरूर देख ले, फिर आपको लेक्चर नंबर 4 आएगा समझ में यहाँ पे। ठीक है, एक बेसिक टॉपिक था यहाँ पे फिजिक्स का जो मैंने पहले डिस्कस नहीं करा था, उसके बारे में थोड़ा सा पहले बात कर लेता हूँ। मुझे बताना था आपको क्वार्क्स के बारे में कि क्वार्क्स क्या होता है। ठीक है, एक्चुअल में क्वार्क्स जो है, जब हम लोग चार्ज की पार्टिकल्स प्रॉपर्टीज और चार्ज पार्टिकल्स पहले देखा, फिर उसके बाद चार्ज की प्रॉपर्टीज को देखा था, फिर उसके बाद हमने कुछ कूलम्स लॉ देखा था तीसरे लेक्चर्स में। और बाद में जो है, कुछ स्टडी के बाद ये पता चलता है कि क्वार्क्स जो होता है ना, ये उस चार्ज से भी ज्यादा स्मॉलेस्ट चार्ज होता है। जो हमने पढ़ा बेसिक, जो हमारा चार्ज होता है, उस चार्ज में हमने देखा था कि वो हमारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन हो सकते हैं। किंतु ये एक हाइपोथेटिकल स्टडी है, ठीक है, जिसमें ये माना जाता है कि चार्ज जो है वो मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी छोटे होते हैं, है ना। और उन्हीं को हम एज अ पैकेट्स के रूप में पढ़ेंगे, जिसको हम क्वार्क्स कहते हैं। ठीक है, अब आप जरा समझना कि क्वार्क्स होता क्या है। देखो, क्वार्क्स की बात करें तो एक्चुअल में इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो भी आपने पढ़ा है ना, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये दो ऐसे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो क्वार्क्स के बने होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कंपोज्ड ऑफ क्वार्क्स। ठीक है, ये हमारे क्वार्क्स के बने होते हैं। कौन कौन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक्चुअल में क्वार्क्स होता क्या है, तो क्वार्क्स को हम लोग बेसिकली, आप जरा ध्यान देना, क्वार्क्स हमारा, बस आपको ये लर्न करना है ना, ये ध्यान रखना है कि क्वार्क्स जो होता है ये हमारा, ये प्लस माइनस 2/3e और प्लस माइनस 1/3e होता है। ठीक है, इट ऑलवेज एग्जिस्ट इन दिस फॉर्म। ठीक है, ये हमारा क्वार्क्स होता है। वैसे जो बेसिक चार्ज के बारे में पढ़ा है वो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, ये तीन हमारे बेसिक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन बाद में फर्दर जो है स्टडीज करने के बाद पता चलता है कि नहीं, कि इससे भी छोटा चार्ज जो है वो नेचर में एग्जिस्ट करता है। बट दिस इज ऑल अबाउट हाइपोथेसिस, है ना, ऐसा एग्जिस्ट है नहीं है, किसी को नहीं पता, लेकिन ऐसा इसे बनाया गया है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ क्वार्क के बारे में, आप जरा ध्यान देना। ठीक है, मतलब ये बोल सकते हैं कि क्वार्क्स जो है, ये क्वार्क्स इज अ हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स विच कंबाइन इन मल्टीपल ऑफ थ्री, ये थ्री के मल्टीपल में कंबाइन होता है एंड फॉर्म न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, या प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। सो दैट, और ये इस तरह से होते हैं, और ऐसा इसलिए होते हैं, ठीक है ना, सो दैट इट डज नॉट वायलेट
so it does not violate the quantization principle. Quantization principle. ठीक है, अब जरा इस बात को समझते हैं कि मैंने लिखा क्या है. ठीक है, मैंने लिखा है कि क्वार्क्स जो होता है ना वो एक हाइपोथेटिकल पार्टिकल्स होता है. एक ऐसा हाइपोथेटिकल पार्टिकल जिसके कंबाइन होने के बाद जो है ऐसा माना गया है कि जब भी ये कंबाइन होता है ये मल्टीपल्स ऑफ थ्री के रूप में कंबाइन होता है और तब जाकर के प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारा बनता है. लेकिन ये तीन के ही मल्टीपल्स में क्यों कंबाइन होता है? अगर ये तीन के मल्टीपल्स में कंबाइन नहीं होगा तो ये क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल है जिसमें हमने पढ़ा था कि क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई है ना. मतलब जो हमारा जो भी चार्ज होता है वो एग्जिस्ट होता है 1e, 2e, 3e है ना, -1e, -2e, -3 इस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है. लेकिन अगर ये मल्टीपल्स ऑफ थ्री के रूप में नहीं होगा तो वो एक फ्रैक्शनल वैल्यू में एग्जिस्ट करने लग जाएगा. और हमने आपको एग्जाम्पल में समझाया था कि कभी भी जो चार्ज होगा वो 2/3e के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा. लेकिन अगर हम इसी क्वार्क्स को अगर तीन से मल्टीप्लाई कर ले है ना, तो यहां से तीन को कैंसिल आउट कर लेंगे वो 2e हो जाएगा है ना. 1/3e को क्या करें अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये 1e हो जाएगा. और 1e, 2e ये सभी के सभी चार्ज हमारे एग्जिस्ट करते हैं. आई होप कि आपको ये बात समझ में आ रहा है. अब आप जरा इधर ध्यान देना ठीक है. यहाँ पे जो भी क्वार्क्स होते हैं, दो तरह के ठीक है. क्वार्क्स हमारे दो तरह के होते हैं. एक जिसको हम लोग अप क्वार्क्स बोलते हैं, एक हमारा अप क्वार्क्स होता है ठीक है. एंड द नेक्स्ट वन इज डाउन क्वार्क्स ठीक है. एक अप क्वार्क्स होगा और सेकेंड जो होगा वो हमारा डाउन क्वार्क्स होगा. अप क्वार्क्स को हम लोग वैसे यू से डिनोट करते हैं और डाउन क्वार्क्स को हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं ठीक है. अब जरा समझना ध्यान से. अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझाते हैं आपको ठीक है, जिस एग्जाम्पल से ये पता चले कि मतलब ये किस तरह से क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को डिस्टर्ब नहीं करता है ना, इसको समझने की हमें जरूरत है. अगर एग्जाम्पल में हम लोग क्या करते हैं, जैसे 3D लेते हैं. 3D का क्या मतलब हुआ? 3D अगर लोगे, 3D का मतलब हुआ कि डाउन क्वार्क्स आप ले रहे हो, तीन डाउन क्वार्क्स. तो डाउन क्वार्क्स में समझो ये जैसे हम अगर इसको अगर हम रेड से अप क्वार्क्स बोल दें और इसको अगर रेड से हम डाउन क्वार्क्स बोल दें ठीक है. समझना जरा ध्यान से, हमें तीन डाउन क्वार्क्स लेना है. तीन डाउन क्वार्क्स अगर आप लेते हो तो आप 1/3e, 1/3e और 1/3e लोगे, मतलब तीन बार आप 1/3e लोगे. समझना जरा ध्यान से ठीक है. आप प्लस में लो या माइनस में लो, यहां से 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और एक ई बचेगा. यानी अगर एक ई बचता है तो आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है ना, अगर वो चार्ज प्लस में होता है तो ये चार्ज कहलाता है किसका? चार्ज ऑन प्रोटॉन. मतलब ये प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है ये कहलाता है. मतलब इसको हम लिख सकते हैं कि इस तरह से ये बन करके क्या आएगा, तो ये प्रोटॉन बन करके आएगा. क्या बन करके आएगा? प्रोटॉन. मतलब अगर मुझे एक चार्ज चाहिए, प्रोटॉन चाहिए है ना, तो हमें 3D लेना पड़ेगा ठीक है. इसलिए बोला जाता है कि मल्टीपल्स ऑफ 3 के रूप में एग्जिस्ट करता है. अगर हम लोग क्या करते हैं, यहां से अगर हम लोग एक अप क्वार्क्स लेते हैं और दो अगर हम लोग डाउन क्वार्क्स लेते हैं, आप समझना जरा ध्यान से ठीक है. एक अप क्वार्क्स और दो हम लोग डाउन क्वार्क्स लेते हैं. अप क्वार्क्स में अगर लेट से हम 2/3e लेते हैं, अगर हमने एक बार 2/3e लिया ठीक है, प्लस में ही लिया, और वापस से हमें कितना लेना है? दो डाउन क्वार्क्स लेना है. अगर दो डाउन क्वार्क्स लेते हैं तो दो डाउन क्वार्क्स का मतलब हुआ आप इसको प्लस करना है यू में डी से. समझना जरा ध्यान से. तो यहाँ पे 2 times ऑफ अगर 1/3e करने जाए हम लोग ठीक है ना, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ भी आपके पास 2/3e है और यहाँ पे आपके पास क्या है? प्लस का ठीक है. किसी 2/3e और अगर यहाँ पे 1/3e है तो आप इसे प्लस लो या माइनस लो, जरा देखना आप ध्यान से. अगर हम ये लेने जाते हैं 2 × 1/3 मतलब ये भी अपने पास आ जाएगा 2/3e. अब समझना, अगर ये 2/3e अगर हम प्लस नहीं लेकर माइनस ले ले, या अगर 1/3e लेकर प्लस लेकर के माइनस नहीं लेगा, अगर आप ये लोगे तो क्या होगा जरा ध्यान देना. अगर आप ये लोगे तो वापस से आप इसको एलसीएम करने जाओगे तो ये 4/3e करके आएगा और ये फ्रैक्शन की वैल्यू में एग्जिस्ट नहीं करेगा. मतलब इस तरह से हमें कोई भी चार्ज नहीं मिलेगा. तो हम एक काम करते हैं, हम किसी एक को माइनस ले लेते हैं. जैसे इधर वाले को हम 1/3e को अगर माइनस में ले लेते हैं इस वाले को, तो ये वाला अगर माइनस का हो जाएगा तो इस तरीके से ये 2/3e आएगा और ये इस तरह से एक दूसरे से कैंसिल आउट होकर के
ये जीरो दे जाएगा। और आप पता आपको भी जीरो चार्ज किस पे होता है, न्यूट्रॉन पे होता है। तो इस तरीके से हमारे पास न्यूट्रॉन बन जाता है और इस तरीके से प्रोटॉन बन जाता है। यानी अगर हम तीन बार डी लेंगे तो हम एक प्रोटॉन बना सकते हैं, और अगर हम एक बार यू ले अप क्वार्क्स ले और दो बार डाउन क्वार्क्स ले, है ना, और दोनों डाउन क्वार्क्स किस में लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, किसी में से भी एक अगर नेगेटिव ले लेंगे, है ना, तो इस तरीके से हमारे पास न्यूट्रॉन बन करके आ जाएगा। तो ये क्वार्क्स के बारे में बेसिक बेसिक बात मैंने बताया आपको कि क्वार्क्स क्या होता है। याद रखना है क्वार्क्स जो होते हैं इन्हीं से हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने होते हैं, ठीक है, इनके कॉम्बिनेशन से, और वो कॉम्बिनेशन हमारा मल्टीपल्स ऑफ थ्री के रूप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और आई थिंक कि आपको ये चीजें क्लियर समझ में आ रहा है, ठीक है। आप एक बार लिख लो क्वार्क्स के बारे में, इससे ज्यादा आपको नहीं जानना है, बस आपको ध्यान रखना है कि ये मल्टीपल्स ऑफ थ्री के रूप में इसलिए एग्जिस्ट करता है ताकि ये क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को डिस्टर्ब नहीं कर सके, ठीक है। और अगर क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को अगर ये वायलेट कर देता ना, तो कहीं ना कहीं से मतलब ये क्वार्क्स एग्जिस्ट नहीं करता, इस बात को हम लोग सेटिस्फाई करा सकते थे। आप एक बार इसको लिख करके आइए वापस से, ठीक है, मैं फिर आपको अगले टॉपिक पे लेके चलता हूं, ठीक है। एक बार आप लोग लिख लो जल्दी से, ठीक है, रब करें, ओके। ये था हमारा क्वार्क्स के बारे में एक छोटा सा टॉपिक जो आपका छूटा हुआ था, ठीक है। इसके बाद का जो टॉपिक होने वाला है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और आई होप कि आप लोगों को जो है इस पे अच्छे से ध्यान देना है, ठीक है। अगर किसी को भी कोई डाउट है, कोई भी आप चार्ज पार्टिकल्स लेकर के इसमें अप क्वार्क्स हो डाउन क्वार्क्स हो किसी को भी लेकर के आप ऐड करना, ठीक है। अगर आपको फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा, मतलब आप जो अरेंजमेंट होगा बस वो क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल को वायलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर वो उसको सेटिस्फाई करता है तो आपका अरेंजमेंट बिल्कुल सही होगा। जरूरी नहीं कि जो हम लिए वही आप लोग, आप अलग तरीके से भी तीन तीन को उठा सकते हो, ठीक है। चलो देखो ज्यादा ध्यान से, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है ये हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। आप लोगों ने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखा होगा, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अगर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की बात करी जाए तो इससे पहले मैं थोड़ा सा रिमाइंड करा दूं कि हमने कूलम्स लॉ में क्या पढ़ा था। कूलम्स लॉ ने हमने क्या पढ़ा था कि जो फोर्स होता है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स होता है, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीडियम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स, दोनों चार्ज पार्टिकल्स को किस मीडियम में रखा गया है इसके प्रोपोर्शनल होता है। यहां से हमने एक इक्वेशन बनाया था, एफ जो था हमारा वो के क्यू वन क्यू टू, है ना, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता था। ये हमारा सिंपल जो होता है ये वो फोर्स होता है जो किसी दो चार्ज पार्टिकल्स, और ये दोनों के दोनों जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ये पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इन दोनों पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स के बीच में अगर डिस्टेंस आर है तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना, इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, इट डिपेंड्स ऑन कि किस तरह के चार्ज को आप लेते हो, ठीक है। अगर ये चार्ज पॉजिटिव होगा तो ये दोनों का दोनों जो होगा वो रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। अगर ये माइनस होगा तभी भी ये रिपल्सिव होगा, ठीक है, लेकिन अगर एक प्लस का और एक माइनस का हुआ तो ये अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो इट मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स। तो यहाँ पे जो फोर्स के बारे में मैंने बात करा है, ये फोर्स जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड है कि इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना लग रहा है। यहाँ पे हमने के बारे में बताया था आपको, जिसको कूलम्स कॉन्स्टेंट कहते हैं, और ये 9×10⁻⁹ होता है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब जरा आप ध्यान देना, अगर के बारे में बात करा जाए तो इसका 9×10⁹ इसका वैल्यू याद रखना है। इसका यूनिट कितना बताया था, यूनिट अगर देखा जाए तो यहां से एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई ये न्यूटन मीटर और कूलम का स्क्वायर था, यही था न्यूटन मीटर स्क्वायर, ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये था, ठीक है। अगर यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे के क्यू वन क्यू टू, ठीक है,
और इधर आ गया अपने पास एफ आर स्क्वायर। ध्यान देना, यहां से अगर के की वैल्यू निकालने जाए तो एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू वन इंटू में क्यू टू हो जाएगा। ठीक है, एफ का जो होता है वो न्यूटन होता है, और यहाँ पे आर स्क्वायर का मतलब मीटर का स्क्वायर, और यहाँ पे एक चार्ज का कूलम, तो यहाँ पे कूलम का स्क्वायर। ये मैंने बताया था के का यूनिट, इस तरीके से आपको ये सारी बातें याद होगी, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा था ये फोर्स, लेकिन चूंकि हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी को लिखने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट चीजों को समझते चलेंगे। अगर कोई भी एक वेक्टर है लेट से, जैसे कोई वेक्टर ए लिखा हुआ है, तो इस ए वेक्टर को लिखने का मतलब क्या हुआ कि इस वेक्टर का अपना एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड को लेट से हम ए से डिनोट कर रहे हैं, और इसका एक अपना डायरेक्शन होना चाहिए, और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट हम लोग ए कैप से कर रहे हैं, है ना। जहां पे ए हमारा क्या है, तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, मैग्नीट्यूड को। ठीक है, और ए कैप जो है ये हमारे पास डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, है ना, इट इज अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये यूनिट वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है। ठीक है, एक यूनिट वेक्टर जो किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक वेक्टर जो होता है उसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, ये दोनों होना चाहिए। अगर कोई भी वेक्टर हो, जैसे मान लीजिए कि वहां पे जो फोर्स लिखा हुआ है, अगर फोर्स ये वेक्टर है तो ऑब्वियसली इस फोर्स का कोई मैग्नीट्यूड होना चाहिए, और इस फोर्स का एक डायरेक्शन होना चाहिए जिसको हम एफ कैप लिख रहे हैं। ठीक है, अगर मान लेते कोई वेक्टर बी है आपके पास, इसको अगर लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो इसका एक मैग्नीट्यूड लिखेंगे और इसके बाद उसका एक डायरेक्शन लिखेंगे, तो बी इंटू बी कैप लिखने का एक तरीका है। मतलब जैसे कि मैग्नीट्यूड लिखे हैं वैसे हम डायरेक्शन लिखेंगे एक कैप देकर के। अब यहां से मैं आपको छोटा सा चीज समझा रहा हूं, आप जरा देखना ध्यान से। अगर मैं यहाँ पे एक आर वेक्टर लिख रहा हूं, ठीक है, तो आर वेक्टर को लिखने का क्या मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड लिखेंगे पहले उस वेक्टर का, और उसके बाद इस वेक्टर का हम डायरेक्शन लिखेंगे। यहां से अगर हम आर कैप निकालने जाए, आर कैप, तो आर कैप का क्या मतलब हुआ, आर कैप इज इक्वल टू हम आर वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। ये वेक्टर आर होगा और ये उसका मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, तो ये यूनिट वेक्टर निकालने का एक तरीका है कि आर कैप इज इक्वल टू आप वेक्टर आर डिवाइडेड बाई आर लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम। अगर इसमें ए कैप निकालना होता तो क्या करते हैं, ए कैप को हम लोग लिखते हैं वेक्टर ए इज इक्वल टू ए इंटू ए कैप लिखा हुआ है। इसी तरीके से ए कैप निकालने जाते तो वेक्टर ए में हम लोग डिवाइड करते किससे, ए से, मैग्नीट्यूड से। उस वेक्टर में अगर उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो वो हमारा यूनिट वेक्टर दे जाता है, मतलब वो डायरेक्शन हमें दे जाता है। ठीक है, ये चीजें बेसिक बेसिक चीज है जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई, ये आप थोड़ा सा अपने कॉपी के साइड में आप लिख लो, ये बहुत काम आने वाला है हम लोग को। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो, जो कूलम्स लॉ एकदम आराम आराम से सीखेंगे, कोई भागा भागी नहीं इसमें। ये समझ में आया ए कैप कैसे लिखते हैं? ठीक है, अगर ए कैप समझ में आ गया तो आप जरा ध्यान से समझना। ठीक है, एक एक चीज पहले समझा लेते हैं फिर जाकर के आपको बताना शुरू करेंगे। ठीक है, देखो समझो, एक बात आपने पहले से पढ़ रखा है कि अगर इस ओरिजिन से ए से कहीं पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे अगर इस पॉइंट को हम इस ओरिजिन से ऐसे ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ऐसे अगर ज्वाइन करें इस ओरिजिन से, इसको लेट से हम आर वन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, आर वन, मतलब ये यहां से यहां तक एक पोजीशन वेक्टर कहलाता है। अगर हम इसको वेक्टर से डिनोट करें तो ये क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अगर हम यहां से यहां तक अगर कोई दूसरा वेक्टर लिख दे, है ना, सपोज दैट ये पॉइंट हमारे पास ए है और ये पॉइंट हमारे पास बी है, ठीक है, तो ये जो वेक्टर है ये हमारा आर टू वेक्टर होगा, है ना। मतलब ये पोजीशन वेक्टर कहां से लेते हैं हम लोग, ओरिजिन से, ये वेक्टर यहां से आर वन दिख रहा है, यहां से ये वेक्टर आर टू दिख रहा है। ठीक है, अब यहां से अगर आप ए टू बी आते हो, मैंने क्या बोला, ए टू बी, हो सकता है कोई बच्चा बी टू ए जाए, है ना, डिपेंड करता है कि आपका
इसमें इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है, आप समझना जरा ध्यान से। अगर आपको ये ए बी अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता करना है, ए बी डिस्प्लेसमेंट, ए बी कहने का मतलब हुआ कि ए इनिशियल पोजीशन और बी हमारा फाइनल पोजीशन होगा, तो हम क्या करेंगे, आप जरा ध्यान देना, यहाँ पे ए बी जाना है ना, तो हम क्या करेंगे, ए से बी जाने का मतलब ये हुआ कि हमारा फाइनल बी हुआ और इनिशियल ए हुआ, तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, आप समझना जरा ध्यान से। तो फाइनल करने का मतलब हुआ कि फाइनल तो हमारा आर टू है, तो आर टू वेक्टर में से हम आर वन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हम लोग को ए बी वेक्टर देगा, और इस वेक्टर को हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के नाम से जानते हैं, क्या कहते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। एकदम पहले वेक्टर का थोड़ा सा रिवीजन करा लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अब जरा समझना ध्यान से, ये तो समझ में आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का क्या मतलब होता है, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं। किसी के मन में एक बात आ रहा होगी, सर नहीं, अगर हम बी टू ए निकालते है ना, बी टू ए निकालने का क्या मतलब होता, कि इसमें इनिशियल पोजिशन बी होता और फाइनल पोजिशन ए होता, यही होता ना, तो इसमें हम लोग क्या करते कि पहले आर वन वेक्टर में से आर टू वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है, मतलब इस बार हमने जो चलने का तरीका होता वो ऐसे होता, मतलब इनिशियल से फाइनल की तरफ, तो उस केस में हमारा ये इनिशियल हो जाता है और ये हमारा फाइनल हो जाता है, ऐसा हमने, तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में आप देखना चाहते हैं, ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गया। अब जरा आप समझो ध्यान से, अगर हम लोग किसी भी पॉइंट को अगर स्पेस में रखते हैं, किसी भी पॉइंट को अगर हम लोग स्पेस में रखने जाए, ठीक है, मतलब इसको रब कर ले रहा हूं, अगर किसी भी पॉइंट को अगर हम स्पेस में रखते जाते हैं, सपोज देखिए यहां पे जो पॉइंट ए पॉइंट लिया है, अगर इसको स्पेस में लिया जाता तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट आते हैं ऐसे, एक्स वन करके, वाई वन करके और जेड वन करके, तीन इसके कुछ पॉइंट्स होते, उसी तरीके से यहां पे एक्स टू होता, वाई टू होता और जेड टू होता, ठीक है, ये यहां पे इसके थ्री डी में एक्स वन वाई वन जेड वन एक्स टू वाई टू जेड टू, ये हमारे तीनों होते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अगर हमें इस ए बी वेक्टर को निकालना है तो आर टू माइनस आर वन वेक्टर दिख रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका समझो, हम यहाँ पे ए बी वेक्टर निकालने में इंटरेस्टेड है, ए बी वेक्टर निकालेंगे, अभी मैंने बताया कि आर टू वेक्टर में से अपने को आर वन वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे, अगर आर टू वेक्टर में से आप आर वन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करोगे, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स टू माइनस एक्स वन करोगे, है ना, इंडिविजुअली जो जो पॉइंट्स दिख रहा है ना उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट से हम लोग को उसका मतलब सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब एक्स टू में से एक्स वन को सब्ट्रैक्ट करना है, और इसमें आई कैप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आई कैप, यूनिट आई कैप लेते हैं, ठीक है, फिर प्लस करेंगे, ठीक है, समझना जरा ध्यान से, उसके बाद वाई टू माइनस का वाई वन करेंगे अलोंग जे कैप, ठीक है, उसके बाद वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या लेते हैं, जे कैप, प्लस Z2 माइनस का Z1 करेंगे, ठीक है, Z2 माइनस Z1, और ये हमें क्या देगा, K कैप देगा, क्या देगा, K कैप। इस तरीके से ये हम लोग ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, ए बी वेक्टर, है ना, दिस इज ऑल अबाउट R2 माइनस R1, R2 में से R1 को हम लोग माइनस करके लिख दिए इसको, इस तरीके से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक ए बी वेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने का एक तरीका है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में, है ना, हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकाल सकते हैं, तो ये हमारे पास एक तरीका है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर हमें वेक्टर समझ में आ जाएगा तो अपना काम हो जाएगा। आप एक बार इसको कॉपी कर लो, फिर मैं सीधा टॉपिक पे आता हूँ, क्योंकि अपना यही बेसिक मुझे एक बार रिवाइज करवाना था, ठीक है, आप एक बार इसको लिख लो, फिर मैं टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ओके, चलो यहाँ पे नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म का बात करा जाए, उससे पहले मैं ये सारा चीज ना आपको एक क्वेश्चंस के माध्यम से समझाता हूँ, ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है, एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपका हर बार पूछा जाता है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से, तो आई होप कि आप इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को अच्छे करने के लिए जो है आपको इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे समझना पड़ेगा। देखो सुनो, एकदम बेसिक से लेकर के चल रहे हैं, अब जरा समझना ध्यान से, देखो अगर हम लोग क्या करते हैं, खूब अच्छे से समझना,
अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल्स यहां पे लेट से रखता हूं, यहां पे एक चार्ज पार्टिकल्स लेट से 2 कूलम का चार्ज रखते हैं प्लस में यहां पे, ठीक है, और समझना ध्यान से, और यहां पे भी लेट से मैंने क्या किया कि 3 कूलम का एक चार्ज रखा और ये भी रखा प्लस में, ठीक है। इस पॉइंट को लेट से हमने ए मान लिया, ठीक है, और इस पॉइंट को हमने बी मान लिया, ठीक है। ये पॉइंट हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा बी है, ये हमारे ओरिजिन से मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब समझना जरा ध्यान से, इस पॉइंट को अगर ए माना है तो इस ए का जो कोऑर्डिनेट है प्लेट से -2, 0, 1 मान लिया मैंने, ठीक है, और 3 का पॉइंट बी है, इसका कुछ पॉइंट है लेट से, आप 3 मान लो, 2 मान लो और 4 मान लो, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब समझना जरा ध्यान से, हम लोग इंटरेस्टेड क्या है, इंटरेस्टेड है हम लोग कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में क्या कहता है। अगर आप ए टू बी जा रहे हो, ए टू बी आपने ज्वाइन किया इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, समझना जरा ध्यान से, बहुत छोटी छोटी बात है, पहले उसको ध्यान से समझना है। सबसे पहले 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं और दोनों चार्ज पार्टिकल्स हमारे पास पॉजिटिव हैं, इसका मतलब इन दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। तो सबसे पहले फोर्स निकालना है हमें, तो फोर्स हम लोग कैसे निकालेंगे, फोर्स के लिए हमने पढ़ रखा है यहाँ पे कि जो फोर्स होता है 2 चार्ज पार्टिकल्स के बीच में वो K Q1 Q2 / R² होता है, ठीक है, आप समझना। तो सबसे पहले हम लोग आर निकालने में इंटरेस्टेड है, आर क्या होता है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल्स, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्ज पार्टिकल्स मतलब हमें ए टू बी निकालना है मैग्नीट्यूड वाइज कि ए टू बी कितना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि ए टू बी निकालने से पहले हम ए बी वेक्टर निकाल लेते हैं। अभी मैंने आपको सिखाया ए बी वेक्टर निकालने का तरीका क्या है कि 3 - -2 का आई कैप, 3 - - बोले तो +2, यानी 3 + 2 का ये आई कैप हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। दूसरा क्या है, प्लस में 2 - 0 यानी 2 ही आएगा, 2 का जे कैप, प्लस में 4 - 1 बोले तो प्लस में 3 का के कैप, ठीक है। ये आ गया हमारे पास ए बी वेक्टर, जिसको हम लोग आर वेक्टर से डिनोट कर रहे हैं, ये लेट से मैंने आर वेक्टर मान लिया, ठीक है, ए बी को क्या मान लिया, ये आर वेक्टर है। तो ये हमारे पास आर वेक्टर आ गया जो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, सिर्फ आर निकालना है ना, पहले इसको एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। ये हम आर वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं, 3 / 5 i कैप प्लस में 2 j कैप और प्लस में 3 k कैप, ये अपने पास ये वेक्टर आ गया है, 5 i कैप प्लस में 2 j कैप प्लस में 3 k कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए तो मैग्नीट्यूड के लिए हमें क्या पढ़ा कि रूट अंडर है ना, इसका स्क्वायर करो 5 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर और प्लस में कितना 3 का स्क्वायर, ठीक है। इसको वापस से अगर खोलने जाए तो ये 25 आएगा, ये प्लस में 4 आएगा और ये प्लस में 9 आएगा, ठीक है। टोटल अगर इसका सम करा जाए तो ये 5 + 9 = 9, 9 = 18, उसके बाद 2 और 1 = 3 मतलब 38 आएगा, ठीक है। रूट अंडर 38 जो है ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई है, मतलब हम लोग मैग्नीट्यूड भी निकालने में यहाँ पे सक्सेस हो गए। अगर देखा जाए तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जरा आप ध्यान से देखो, के की जगह पे लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁹ इंटू में Q1 की जगह पे 2 कूलम लिखा हुआ है, आप इसको 2 कूलम लिख सकते हैं और इंटू में यहाँ पे 3 कूलम लिख सकते हैं, ठीक है। और नीचे R का स्क्वायर मतलब रूट अंडर 38 का स्क्वायर बोले तो 38 लिख सकते हैं, ठीक है, रूट अंडर 38 का स्क्वायर करेंगे 38 आ जाएगा। यहां से अगर इसको हम लोग सॉल्व करने जाए तो ये कुछ 3 × 2 = 6 आएगा, ठीक है, 6 में अगर डिवाइड कर लिया जाए, इसको ऐसे थोड़ा सा कट कर लेते हैं, ये 19 आ जाएगा, ठीक है, 19 × 2 = 38, उसके बाद ये 9 × 3 = 27, 27 × 10⁻⁹ और डिवाइड में कितना 19 दिखाई दे रहा है, इसको अगर इससे डिवाइड करा जाए तो यही लगभग 1 टाइम्स आएगा और 19 से कम 19 और लास्ट कितना हो गया इसमें 8 बचा 80, 19 चौका है ना, यानी 1.4 ले सकते हैं, 19 × 4 = 20, ठीक है, 1.4 और इंटू में आप 10⁻⁹ लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये लगभग अप्रोक्स इतना ही आएगा, ठीक है।
इतना ये एक फोर्स है तो हम इसको न्यूटन लिख लिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये फोर्स का हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है, ठीक है। अब बात डायरेक्शन का है, तो डायरेक्शंस के लिए समझो पहले ध्यान से, मेन तो डायरेक्शन ही। अब हमें डायरेक्शंस में क्या करना है आप समझो जरा ध्यान से, मैं इसको थोड़ा ऐसे समझा रहा हूं। ये अगर देखा जाए तो ये जो ए है, ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, एक पॉजिटिव यहां पे एक पॉजिटिव यहां पे, दोनों में रिपल्सन हो रहा है। तो ये जो बॉडी है वो कुछ इस तरह से जा रही है, ये बॉडी कुछ इस तरह से जा रही है, ठीक है। तो देखो ध्यान से, इस बॉडी पे ये बॉडी इसलिए इधर शिफ्ट हो रही है क्योंकि इसके वजह से इस पे एक फोर्स लग रहा है। तो ये यहां जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी लग रहा है, यानी क्या बोला इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, फोर्स ऑन ए, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है। बी के वजह से जो फोर्स लग रहा है वो इस पे लग रहा है, और इस पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, है ना। क्योंकि दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और अपोजिट इन डायरेक्शन है, इसलिए मैंने पॉइंट्स में आपको बताया था कि न्यूटन थर्ड लॉ को क्या करता है, वैलिड करता है। अब यहां पे जरा ध्यान से देखो, अब यहां पे एक हम लोग क्या कर सकते हैं, ए टू बी या बी टू ए, किसी भी डायरेक्शन में आप एक यूनिट वेक्टर लोगे। मैंने एक बार ध्यान से बोला, एक यूनिट वेक्टर आपको लेना है, क्या लेना है, यूनिट वेक्टर, है ना। या तो आप ए टू बी लो या बी टू ए लो, है ना, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप ये देख लेना, ठीक है, कि आपको किधर लेना है। अगर मैं इधर एक यूनिट वेक्टर लेता हूं, है ना, इस साइड में, तो ये जो वेक्टर है हमारा, ये वेक्टर आर वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर अगर ए टू बी दिया जाए तो हम इसको आर कैप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, आर कैप लिख सकते हैं ना। देखो ध्यान से, जब ए टू बी जा रहा है ना, तो ए टू बी में हमने एक यूनिट वेक्टर क्या लिया, आर कैप लिया। आप समझना जरा ध्यान से, अगर फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया, अब हम लोग को देखना है फोर्स ऑन ए बी और फोर्स ऑन बी ए, यही कैलकुलेट करना है, ठीक है। यानी अगर ये वेक्टर के फॉर्म में होगा तो वेक्टर के फॉर्म होने का मतलब पहले फोर्स लिखेंगे और इसके अलावा इसका यूनिट वेक्टर लिखेंगे। तो एफ ए बी के डायरेक्शंस में ए टू बी जाते हुए देखना है, ए टू बी हमने यूनिट वेक्टर क्या लिया, आर लिया, मतलब इसमें ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और ये इसका डायरेक्शन हो गया, है ना। मैग्नीट्यूड को एफ से डिनोट कर दे रहे हैं और आर कैप को हम डायरेक्शन से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। अब चूंकि फोर्स ऑन ए बी जो है, यानी इस डायरेक्शन में जब ए टू बी जा रहे हैं फोर्स, तो इसका डायरेक्शन से हमारा इस साइड में है, तो अगर एफ बी ए की बात करी जाए, है ना, तो इसका डायरेक्शन इसके जस्ट यूनिट वेक्टर के अपोजिट में लग रहा है, तो यूनिट वेक्टर के अपोजिट में लगने का मतलब हो गया कि एफ इंटू में माइनस का ये आर कैप हो जाएगा। देखो ध्यान से, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, जब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ए पे जो फोर्स लग रहा है बी के वजह से, ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड, और हमने यूनिट वेक्टर ले लिया इस डायरेक्शन में, ए टू बी के डायरेक्शन में, ए बी के डायरेक्शन में, ठीक है। जब ए बी के डायरेक्शन में लेंगे तो यहाँ पे ये आर कैप होगा, क्योंकि देख लो आप ध्यान से, इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में हम लोग यूनिट वेक्टर लिए हैं ए टू बी, तो इस डायरेक्शन में लेने का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो फोर्स आपको दिखाई दे रहा है ना, ये फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स किस पे लग रहा है, बी ड्यू टू ए, यानी ये फोर्स का डायरेक्शन इधर हुआ, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये इधर फोर्स का डायरेक्शन और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन भी इधर है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम दिख रहा है, तो ये फोर्स इधर लग रहा है और ये फोर्स इधर लग रहा है, ऐसा समझे। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहां जरा देखो ध्यान से, यानी जब फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए लग रहा है तो फोर्स इधर लगा और यूनिट वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर है, तो इसको हम लोग प्लस का आर कैप लेंगे और इसको हम लोग को क्या लेना पड़ेगा, माइनस का आर कैप, ठीक है, ये माइनस का आर कैप होगा, ठीक है। एक बार और इसको समझते हैं, देखो अगर आप यूनिट वेक्टर उस साइड में लेते हैं, आप किधर भी ले सकते हैं, मैं पहले बता रहा हूं, आप उधर लो इधर लो, मतलब आप ए टू बी फोर्स को इंट्रोड्यूस करो, बी टू ए इंट्रोड्यूस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी जो फोर्स लग रहा है यहां पे, जो फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे, जो फोर्स लग रहा है बी पे, वो किसके वजह से लग रहा है, ए के वजह से, है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ फोर्स का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट भी इसी साइड में। लेकिन अगर इस चार्ज पार्टिकल्स पे अगर फोर्स देखा जाए तो इस चार्ज पार्टिकल्स पे फोर्स जो है वो उस दिशा में लग रहा है और यूनिट वेक्टर इस दिशा में, तो ये इसका जस्ट नेगेटिव हुआ ना डायरेक्शन, तो इसलिए इसको हम माइनस का आर कैप लिखेंगे और इसको प्लस का आर कैप लिखेंगे। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गया है। अब यहां पे जरा ध्यान से देखना, यहां पे हम लोग इंटरेस्टेड है आर कैप निकालने में,
अब आर कैप कहां से निकलेगा, तो आर कैप हम लोग यहां पे निकाल करके बैठने वाले हैं। देखो जरा ध्यान से, आप यहां पे आर कैप का मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया कि आर कैप जो होगा वो वेक्टर आर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर होगा। तो देखो अगर हम वेक्टर आर को लिखने जाए तो वेक्टर आर हमारे पास लिखा हुआ है 5i कैप प्लस 2 का j कैप और प्लस में 3 का k कैप, ठीक है। और नीचे कितना मैग्नीट्यूड में रूट अंडर हम लोग को 38 लेना है, ठीक है, रूट अंडर 38। ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है आर कैप, है ना, ये हमारा डायरेक्शन है, ठीक है, आर कैप। तो हम क्या कर सकते हैं इस जगह पे, आप जरा ध्यान देना जो मैंने यहां पे लिखा है, पहले मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है। सबसे पहले फोर्स लिखेंगे और फोर्स हमने निकाला है कितना 1.4 × 10⁻¹ और जो डायरेक्शन है हमारे पास, डायरेक्शन क्या है 5i कैप प्लस में 2j कैप और प्लस में 3 का k कैप और नीचे कितना है रूट अंडर 38, ठीक है। ये हमारा ये हुआ। और अगर हम फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी लिखे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहले फोर्स और उसके माइनस का आर कैप कर देना है, बस फोर्स दिख रहा है आपको पास 1.4 × 10⁻¹ और बस हमें इसमें नेगेटिव कर देना है सबका, माइनस का 5i कैप प्लस माइनस का 2j कैप और माइनस का 3k कैप, ठीक है, और नीचे रूट अंडर 38। आई थिंक ये बात समझ में आ गया सबको कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। पहले आप इसका एक बार कॉपी कर लो, ठीक है। आपको ध्यान रखना इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अगर कहीं है तो सिर्फ ये है, यूनिट वेक्टर आप किस डायरेक्शन में लोगे, तो यूनिट वेक्टर आप किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हो, है ना, और उस समय आपको ध्यान रखना है कि फोर्स कैसे लग रहा है, ठीक है। अगर मैं हमें क्या करना है, हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड देखना है और इसका डायरेक्शन देखना है, तो हमने यूनिट वेक्टर लिया है ए टू बी, मैंने बोला कि हमने यूनिट वेक्टर कहां लिया, ए से बी की ओर, और फोर्स भी इधर किधर लग रहा है, बी पे फोर्स लग रहा है ए की ओर, है ना, यानी फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये इधर की तरफ फोर्स और इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये पॉजिटिव लेंगे और वो चूंकि फोर्स उधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर लग रहा है तो इसमें डिस्प्लेसमेंट जो है नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए हम लोग जब फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी कर रहे थे तो यहाँ माइनस का आर कैप लिखे और यहाँ पे प्लस का आर कैप लिखे, ठीक है। पहले आप इसको कॉपी करके आओ फिर हम आपको बताते हैं, ठीक है, आप लिख करके आओ इसको। ठीक है, आई थिंक आप लोग कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे ये थोड़ा सा कट गया था इसका इमेज, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस ये आर कैप मैंने जो यहाँ निकाला है उसको हम लोग यहाँ पे रख लेंगे, ये आर कैप पॉजिटिव है, यहाँ पे निगेटिव है, निगेटिव के सामने सबको निगेटिव कर लेंगे और बस उसकी वैल्यू को रख लेंगे, ये सिंपली है, यहाँ तक सॉल्व कर लोगे। अब देखो समझो जरा ध्यान से, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करने आना चाहिए, मेन क्या है कि आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको करने आना चाहिए। देखो अब यहाँ पे तीन तरह के कंडीशन हो सकते हैं, है ना, क्वेश्चन इससे जो है मतलब ऊपर क्या बनेगा मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, देखो जरा ध्यान से। अगर मैं तीन तरह के केसेस की बात करूं, ठीक है, अगर केस वन पे बात करा जाए, ठीक है, तो देखो केस वन में या तो हम क्या कर सकते हैं, दो पॉजिटिव चार्ज ले सकते हैं, ठीक है, जैसे एक हमने प्लस वाला ले लिया और फिर दूसरा भी हमने प्लस वाला ले लिया, तो इस बीच में हमने क्या देखा कि कुछ ऐसे रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। अगर सिमिलरली हम लोग देखे दो नेगेटिव चार्ज लेकर के, तो दोनों के केसेस में भी कुछ ऐसे ही होगा, ठीक है, इसमें भी रिपल्सन होगा, तो ये सेम केसेस बनेगा, बस के क्यू वन क्यू टू करते समय क्यू वन और क्यू टू दोनों मैग्नेट्यूड वाइज लेंगे क्योंकि फोर्स का मैग्नेट्यूड हम लोग कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तीसरा अगर हम लोग एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं और एक नेगेटिव चार्ज लेते हैं, ठीक है, तब ये हमारा इंटरेस्टिंग होगा कि ये अट्रैक्टिव है ना, और इसमें हमें बताना है कि कैसे कूलम्स लॉ को हम लोग अप्लाई करेंगे। जैसा कि दो पॉजिटिव था वैसे ही दो नेगेटिव के केस में होगा, लेकिन यहाँ पे टू डिफरेंट चार्जेस हम लोग लेकर के एक बार
ये क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, पहले आप इस चीज को समझ लीजिए, ठीक है। कोई भी चार्ज पार्टिकल्स रख लो और इसको सॉल्व करना शुरू करो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, अब देखो बाकी बुक्स में कैसे फॉर्मूला लिखा होता है, जो वेक्टर लिखा होता है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो किस फॉर्म में लिखा हो जाता है, तो यहाँ पे देखो जो फोर्स हमने पढ़ा वो पढ़ा हमने के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर, यही पढ़ा। अब देखो अब इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, तो ये मेरा वेक्टर, अब ये तो इसका मैग्नीट्यूड हुआ, तो डायरेक्शन क्या करोगे, तो डायरेक्शन में आर स्क्वायर लिखा हुआ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके वेक्टर को क्या लिखते हैं, ऐसे आर कैप लिखेंगे, मतलब दिस इज ऑल अबाउट मैग्नीट्यूड एंड दिस, ये हमारा क्या हुआ, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और ये हमारा यूनिट वेक्टर, अभी बताया आपको यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। अब समझना जरा ध्यान से, ये डायरेक्शन हुआ। अब देखो यूनिट वेक्टर आर कैप का फॉर्मूला अगर लिखा जाए, तो अभी सीखा हमने आर वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, अब इसको वापस इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो देखना जरा क्या होगा, यहाँ पे जरा ध्यान देना आपको, यानी एफ जो होगा, जो फोर्स होगा, ठीक है, वो के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर तो होगा ही, और इनटू में आप वेक्टर आर डिवाइड बाई क्या आर लिखेंगे, तो इसी फॉर्मूला को बुक्स में ऐसे लिखा जाता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर का क्यूब और इनटू में वेक्टर आर, है ना, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में कहलाता है कूलम्स लॉ, के क्यू वन क्यू टू है ना डिवाइड बाई आर का क्यूब इनटू में वेक्टर आर। ये आया कहां से, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे हम लोग इसको बना रहे, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है यूनिट वेक्टर को, है ना, जो कि डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैग्नीट्यूड आपके नजर के सामने हमेशा होता है ना, इसलिए आप इसमें कहीं से कोई कंफ्यूजन नहीं है, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर ये तो सबको पता होता है। ये आर कैप कैसे निकालते हैं, इसके लिए मैंने बहुत बेसिक बेसिक चीजें बताया आपको, अभी मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव करके आपको दिखा रहा हूं, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं रहे, ठीक है, और आपसे ये हो जाए, ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, आप समझो पहले चीजों को ध्यान से, और ये आसानी से होगा, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो जैसे मैंने मान लिया कि इस बार हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे डेढ़ से माइनस में दो कूलम ले लेते हैं, ठीक है, या इसको प्लस में ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे माइनस में मैंने ले लिया डेढ़ से फाइव कूलम, ठीक है, माइनस में एक चार्ज, माइनस में एक चार्ज, प्लस में, और इसको स्पेस में रखा है, इस पॉइंट को अगर हम ए लेट करते हैं, ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ अपना कोऑर्डिनेट होगा, वो हम लेट से मान लेते हैं, माइनस का टू जीरो और लेट से थ्री मान लिया। यहाँ पे बी अगर पॉइंट हम लोग लेट करते हैं और इसके कोऑर्डिनेट को अगर हम लोग लेट से फोर, माइनस का थ्री और माइनस का टू लेट कर लिया, ठीक है, कुछ भी यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से अगर हम लोग इसको थ्री डी प्लेन में रखते हैं इस चार्ज पार्टिकल को, तो क्या होगा, यहां से आप क्या करोगे, इसको ओरिजिन से ड्राइंग करोगे, ये एक पोजिशन वेक्टर देगा अपने को, ये एक पोजिशन वेक्टर देगा। अब यहां पे ये अपना जो वेक्टर है आर वन मानते थे, इसको आर टू मानते थे, है ना, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट दिखाई दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हम इसको यहाँ पे आर वेक्टर मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, आर वेक्टर, ये लेट से हमारे पास आर वन है, आर वन वेक्टर, ये हमारे पास लेट से आर टू वेक्टर है, और ये आर वेक्टर है, तो हम लोग को सबसे पहले ये आर वेक्टर निकालने में हम लोग इंटरेस्टेड है, कि अगर हम आर वेक्टर निकालने जाते हैं, ठीक है, तो आर वेक्टर अगर आप निकालोगे तो आप जरा देखना ध्यान से, अभी आपको क्या सिखाया, ये वाला प्लस का चार्ज है, ये वाला माइनस का चार्ज है। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आर वेक्टर निकालते हैं, यहाँ पे अगर आर वेक्टर निकालने जाएंगे तो क्या सिखाया, ए टू बी चल रहे हैं हम लोग, ए टू बी अगर चल रहे हैं तो क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, तो फोर माइनस और माइनस टू, मतलब ये फोर और प्लस टू बोले तो सिक्स का आई कैप हो जाएगा, सिक्स का आई कैप, उसके बाद माइनस का थ्री और माइनस का जीरो, माइनस का थ्री आएगा तो माइनस का थ्री का क्या आएगा, ये के कैप देगा अपने को, माइनस का टू और माइनस का थ्री, माइनस का फाइव देगा ये अपने पास, माइनस का फाइव, और ये कितना होगा, सॉरी यहाँ पे जे कैप लिखना था और यहाँ पे के कैप लिखना था, ठीक है, ये तो हमारे पास आर वेक्टर आ गया। अब हम यहीं पे इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, मैग्नीट्यूड निकालने का मतलब सिक्स का स्क्वायर करो प्लस में थ्री का स्क्वायर करो और प्लस में फाइव का स्क्वायर करो, ठीक है, ये वैसे माइनस का करोगे तो प्लस का ही आएगा, इसीलिए डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, सिक्स सिक्स जा कितना आएगा, थर्टी सिक्स, यहाँ पे प्लस का थ्री थ्री जा नाइन और प्लस का फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव। अगर इसको यहां से सॉल्व करा जाए तो ये थर्टी फोर इंटू थर्टी फोर कितना हो जाएगा, सेवेंटी, एक मिनट, पच्चीस और नौ, पच्चीस पांच तीस चार चौतीस, चौतीस
और इंटू में 36 यानी ये आ जाएगा 70, ठीक है 70 आएगा, हाँ करेक्ट, ठीक है 35 दूना 70, ये आ गया आपके पास रूट अंडर 70, ये अपने पास मैग्नीट्यूड आ गया। यहां तक तो किसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, अब एक यूनिट वेक्टर हम लोग को लेना है, ठीक है, वो यूनिट वेक्टर अलोंग ए टू बी ले रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में वेक्टर क्या है, आर वेक्टर है, तो इधर डायरेक्शन हमारा आर कैप होगा, है ना, यूनिट वेक्टर अलोंग ए टू बी लिया, ठीक है, इस डायरेक्शन में ए टू बी में, तो समझो देखो जरा ध्यान से, अगर ए टू बी लेते हैं तो यहां पे जो फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, यहां पे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, तो ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ये कुछ ऐसे आ रहा है और ये हमारा ऐसे आ रहा है, ठीक है, आप समझना जरा ध्यान से, तो यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में हमने लिया है, हमने लिया है इस डायरेक्शन में, यानी एफ ऑफ ए बी के डायरेक्शन में, जिधर फोर्स ऑन ए बी जा रहा है उधर ही हमारा यूनिट वेक्टर जा रहा है, तो समझो जरा ध्यान से, थोड़ा मैं इधर पहले क्या करता हूँ, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड निकाला जाए यहाँ पे, फोर्स का मैग्नीट्यूड तो ये क्या लिख सकते हैं हम, के क्यू वन क्यू टू यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे के की जगह पे 9 × 10⁻⁹ रख सकते हैं, और Q1 के जगह पे 2 कूलम और Q2 के जगह पे 5 कूलम, याद रखेंगे मैग्नीट्यूड वाइज सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना है, साइन का कोई जरूरत नहीं है अपने पास, और आर स्क्वायर का मतलब रूट अंडर 70 का स्क्वायर मतलब 70 आएगा ये, ठीक है। इसको अगर हम लोग थोड़ा सॉल्व कर लें तो आप जरा देखना, ये 5 से अगर इसको कट करा जाए तो ये 14 टाइम्स आएगा, ठीक है, और फिर 2 से इसको कट करा जाए तो 7 टाइम्स आएगा, ठीक है, 7 से इसको डिवाइड करा जाए 7 × 1 = 7, ठीक है, और कितना बच जाएगा इसमें 2, तो लेट से मान लेते हैं कि 20 आ जाएगा, तो लगभग 7 × 3 = 7 × 2 = 14 कर लेते हैं, फिर 6 आएगा ये 60 हो जाएगा, और 7 × 6 = 7 = 56, 7 यानी 1.28 × 10⁻⁹ कितना 9 लिख सकते हैं, ठीक है, इसको अगर डिवाइड करा जाए तो 1.28 × 10⁹, तो आप इसको 1.28 नहीं लिख करके 1.3 लिख लो, लगभग 1.3 × 10⁹ फोर्स है, तो इसको न्यूटन लिखेंगे, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जरा आप ध्यान देना, ठीक है, एक मिनट, देखो अगर यहां पे हम लोग क्या करते हैं, अब यहां से फोर्स हमें पता करना है, अगर फोर्स पता करना है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया कि अपने पास फोर्स जो आया है वो इतना आया है, इतना अपने पास फोर्स पड़ा हुआ है, ठीक है, ये अपने पास फोर्स है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड वाइज इतना रखा है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें फोर्स ऑन ए बी दिखाना है वेक्टर फॉर्म में, और फोर्स ऑन बी ए दिखाना है वेक्टर फॉर्म में। तुमने क्या कहा, पहले फोर्स का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब एफ, और डायरेक्शंस के लिए, अब डायरेक्शंस देखो, एफ ए बी जिधर है क्या यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन उधर ही है, तो हाँ एफ ऑफ ए बी जिधर है आर कैप का भी डायरेक्शन इधर ही हमने लिया है, ठीक है, अब इधर लिया है इसका मतलब यहाँ पे हम आर कैप लिखेंगे, और जब एफ ऑन फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, इसके लिए हम लोग मैग्नीट्यूड लेंगे, और डायरेक्शन इसका जस्ट अपोजिट है, आर कैप लेंगे माइनस का आर कैप। देखो आप फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स लग रहा है ए की वजह से, लेकिन ये किधर की तरफ जा रहा है, उधर की तरफ, लेकिन हमारा यूनिट वेक्टर किधर है, डायरेक्शन इधर हमने लिया, तो इसलिए ये नेगेटिव आर है ना, मतलब आर के नेगेटिव में आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो हमने कैलकुलेट कर रखा है 1.3 × 10⁻⁹, और आर कैप निकालने में अब हम लोग इंटरेस्टेड है कि आर कैप कैसे निकालेंगे, तो अभी आर कैप निकालने का तरीका आपको सिखाया है कि आर कैप आप कैसे निकालोगे, तो आर कैप निकालने का मतलब हुआ कि वेक्टर आर लिखोगे और डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर कर लोगे। देखो आर कैप हमारे आर वेक्टर अपने पास यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस वन इज द 6i कैप माइनस का 3j कैप और माइनस का 5k कैप, ये लिख सकते हैं हम लोग, और नीचे आर का मैग्नीट्यूड, और आर भी निकाल रखे हम लोग कितना, रूट अंडर 70 लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। बस यहाँ पे हमने क्या करना है कि एफ लिख दिया और आर कैप की बारी है, आर कैप लिखना है, तो बस इसे उठा करके यहाँ पे शिफ्ट कर देना है, 6i कैप माइनस में
थ्री जे कैप और माइनस में फाइव के कैप लिख सकते हैं, नीचे कितना रूट अंडर 70 लिख सकते हैं, ये आपका जो है आंसर है, इतना न्यूटन लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखना ये फोर्स है तो यूनिट में न्यूटन लिखना नहीं बोलेंगे, यहाँ पे फोर्स के जगह पे 1.3 इंटू में 10 का पावर 9 लेंगे और इंटू में यहाँ पे माइनस का आर कैप है, इसको माइनस का 6 आई कैप कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये प्लस का कितना 3 जे कैप हो जाएगा और प्लस का 5 के कैप लिखेंगे और नीचे रूट अंडर कितना 70 लिखेंगे और ओवरऑल ये न्यूटन में लिखेंगे, किसमें लिखेंगे न्यूटन में। ठीक है, इस तरीके से दो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स हो या दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हो, इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं, फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, डायरेक्शन निकाल सकते हैं, है ना। आई होप कि कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में इससे बाहर कुछ नहीं आने जा रहा है। ठीक है, किसी भी तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए कूलम्स लॉ में ये 3 पॉइंट आपको पता होता है और आपको मैंने ये सिखाया कि आर वेक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन यही है कि सर क्या यूनिट वेक्टर हमेशा इधर ही लेंगे? नहीं, आप इधर भी ले सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो आप इधर भी लोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखना ये सारी छोटी छोटी बातें हैं कूलम्स लॉ में, और बस एक छोटा सा टॉपिक था कूलम्स लॉ, आई थिंक आई होप आपको ये बहुत अच्छे समझ में आया। कोई भी बुक से क्वेश्चन उठा लेना, ठीक है, और आप करके देखना, नहीं आएगा फिर आप वापस एक ग्रुप में मैसेज करना कि सर मुझे कूलम्स लॉ में दिक्कत है। आई होप कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो, अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में भी जो है इसे फॉरवर्ड करें। थैंक यू, गुड डे, सी द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।